सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी रमजी। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे GTA 5 के बारे में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ये गेम फ्री है या नहीं है, और आपको ये कहां से डाउनलोड करना है, और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आगे तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि ये गेम आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये गेम आपको एपिक गेम्स, जो कि वेबसाइट है एक, और ये आपको गेम्स प्रोवाइड करती है। और ये एक वेबसाइट का हमेशा का है कि कुछ ना कुछ गेम्स आपको पेड गेम्स जो कि फ्री में आपको अवेलेबल कराती है। वो इसलिए कराती हैं क्योंकि इन्हें आगे प्रोमोट करना है अपने वेबसाइट को। तो इस बार जो इन्होंने गेम दिया वो GTA 5 दिया, जो कि ये पेड वर्जन था ये, लेकिन आपको इसने अभी फ्री दिया है अपने दोस्त पीपल जिन्होंने ये गेम बाय किया था। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको अभी फ्री में मिल रहा है, तो आप इसे सिंपली जा करके बाय कर सकते हैं, यानी फ्री में जाके बाय कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो आपको इसके लिए दो प्रोसेस लगेंगे, बस दो क्लिक में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वेबसाइट, आप अगर वेबसाइट पर अभी जाके डाउनलोड करते हैं तो आपने थोड़े वक्त देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि ये बार बार क्रैश हो जा रहा है वेबसाइट। मैंने 2-3 घंटा वेबसाइट पे टाइम दिया तो फिर भी ये काम नहीं किया। आपको मे बी 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है वेबसाइट पे, क्योंकि ये बार बार क्रैश हो जाती है। और ये गेम जो है आप कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ आपको कि ये 14 मई से लेकर के 21 मई तक, यानी पूरे एक हफ्ता ये गेम फ्री है। तो आप इजीली जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्री रजिस्टर भी हो रहा है। आपका आईडी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेंगे, तो आपको सिंपली जाकर के ये रजिस्टर कर लेना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मैंने अपनी गेम डाउनलोड पे लगा रखी है। अगर ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे हुआ है। और अगर आपका भी वाईफाई अगर ठीक ठाक चल रहा है या फिर आपके इधर ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप जा करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें एक और इशू हो सकता है आपको कि अगर आपका कंप्यूटर पुराना है, मैंने एक कंप्यूटर मेरा है, मेरा मैंने वो 2013 में परचेज़ किया था, तो शायद उसमें ना चल पाए। और उसमें अगर आपका भी कंप्यूटर पुराना है, ज़्यादा पुराना है, तो फिर दिक्कत है। लेकिन आपने अगर ग्राफिक्स कार्ड लिया हुआ है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक लैपटॉप है मेरे पास, तो मैं उसमें रन करूँगा। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना कंप्यूटर है तो फिर तो इशू हो सकता है, मे बी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर न्यू है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना है कि अगर आपका जो वो स्टोरेज ड्राइव है आपका, वो कम से कम 150 GB तक खाली होना ही चाहिए, क्योंकि गेम काफ़ी बड़ा है तो आपको लोड होने में और रन करने में कोई इशू आ सकता है। इसलिए आपका वो ड्राइव जो है, जो आपकी सी ड्राइव या डी ड्राइव जो भी आपका, वो कम से कम आपका 150 GB खाली होना चाहिए, जिससे आपकी गेम में भी कोई इशू नहीं आएगा और ईजिली आप इसे रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करते जाना यार, क्योंकि मैं इसी तरीके से कंटेंट आपको मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। पीस आउट। थैंक यू सो मच।